और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखने जा रहे हैं और इस बेहद खास मौके पर पीएम मोदी के साथ सचिन तेंदुलकर होंगे, सुनील गावस्कर होंगे, कपिल देव होंगे और रवि शास्त्री समेत करीब 12 पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर्स मौजूद रहने वाले हैं। पीएम मोदी यहां पर कई सारी परियोजनाओं स्टेडियम्स का उद्घाटन भी करने जा रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में होंगे, काशी में होंगे पीएम मोदी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला को रखेंगे पीएम मोदी और उनके साथ होंगे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव, रवि शास्त्री समेत 12 पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। तकरीबन 6 घंटे का आज उनका प्रोग्राम होगा। पहले गंजारे स्थित एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए पुलिस लाइन आएंगे और पुलिस लाइन से सीधे वो बाई रोड संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में आएंगे। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में तकरीबन 5,000 महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद काशी की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। सर पर कलश रखकर और हाथों में दिया लेकर पुष्प वर्षा किया जाएगा। तकरीबन 5 ये ऐसे स्पॉट बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो पुष्प वर्षा करके स्वागत करेंगे और प्रधानमंत्री उन्हीं रास्तों से संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी आएंगे और तकरीबन 40 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाई रोड सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पहुँचेंगे और वहाँ 2 घंटे के प्रोग्राम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाई रोड एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे और वहां से दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। कैमरा पर्सन राम बालक जी के साथ अनु सिंह, जी मीडिया, वाराणसी।